खरगोन जिले में जवाहर सहकारी सूत मिल की 36वीं वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया। प्रदेश के पूर्व उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुभाष यादव ने किसानों के आर्थिक उत्थान और गरीबों को रोजगार देने के उद्देश्य से उक्त सूत मिल को स्थापित किया था, जिसका संचालन अब उनके सुपुत्र अरुण यादव के नेतृत्व में किया जा रहा है। इसी के चलते मंगलवार को प्रतिवर्षानुसार वार्षिक साधारण सभा आयोजित की, जिसमें बीते वर्ष उपलब्धियों को ध्यान में रखते हुए आगामी वित्तीय वर्ष के बजट को सदस्यों ने स्वीकृति प्रदान की। इस दौरान पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और उक्त सहकारी संस्था के उपाध्यक्ष अरुण यादव ने बताया कि पिता के सपने को साकार करके सूत मिल सहित सकर मिल को बुलंदी पर पहुँचाने में कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं उन्होंने यह भी बताया कि कोरोना काल में बड़े बड़े व्यवसाय चौपट हो गए, लेकिन किसान और मजदूर के हक में हमने एक भी व्यक्ति को रोजगार से वंचित नहीं किया और अन्नदाता की कपास और गन्ने की फसल खरीदने की कवायद लगातार जारी रखी, जिससे आम जन को आर्थिक तंगी के दौर से उभारा जा सके। खरगोन से अजय तिवारी की रिपोर्ट। आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 News। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।